અને હવે આગળ વાત કરીએ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ટોપ 9 સમાચારોની। जामनगरना खीमलिया गामे वीज तार पड़ता खेतर में आग भड़की उठी। खेतर में राखेलो लीलो चारो बळीने खाक थई गयो तो आग में दाजी जता एक भैंसनुं पण मृत्यु थयुं छे। आ उपरांत केटलाक पशुओ पण आग में दाज्या। राजकोटना धोराजी पंथक में धाणानुं वावेतर करता खेडूतों पर कुदरतनो मार। कमोसमी वरसादने पगले धाणानुं वावेतर खूब ज ओछुं थयुं। गाढ धुम्मस अने झाकाने पगले भेज लागी जता धाणा काळा पड़ी गया छे। आ काळा धाणाने पगले खेडूतोने पूरता भाव नथी मळता। पाटण में छेल्ला 15 दिवसथी पड़ेला गाबड़ाना समारकाम माटे नर्मदा विभागनी टीम पहुंची तो खेडूतो या टीम ने समारकाम कर्या वगर रवाना करी दीधी। खेडूतोनुं मानवुं छे कि गाबड़ा पुरवाना बहाने जो अधिकारीओ पाणी बंद करी देशे तो भर उनाळे खेतरमां उभो पाक बळी जशे अने तेथी ज तेओए नर्मदा केनालमां पड़ेला गाबड़ाने जैसे थी हालतमां राखवा मन बनाव्युं छे। चोटीलाथी नवागाम तरफ जता रस्ता पर बनवा नवा नाळानुं काम ग्रामजनोए स्थगित कराव्युं। नवा बनावामां आवेला नाळाना काममां ओछी मात्रामां मटीरियल्स वपरातुं होवाथी ग्रामजनो रोषे भराया अने नाळानुं काम स्थगित कराव्युं। ग्रामजनोनुं कहेवुं छे कि जवाबदार अधिकारीओ अहीं आवी तपास करे। ग्रामजनोनो आक्षेप छे कि कॉन्ट्राक्टर्स द्वारा नबळी कामगीरी करवामां आवे छे। મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીમાં બે માસ પૂર્વે દૈનિક દૂધની આવક 30 લાખ લીટર હતી જે હવે વધીને 33 લાખ લીટર થઈ ગઈ છે। દૂધસાગર ડેરીના સત્તાધીશોએ 5 વર્ષમાં દૈનિક 50 લાખ લીટર દૂધની આવક કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે અને આ વ્યવસાયથી વિમુખ થયેલા પશુપાલકોને ફરી જોડવા અનેક પગલાં ભરાશે। गुजरात में दारूबंदी कायदा लीरे लीरा उड़ाड़ती वधु एक घटना सामे आवी। महेसाणा में अहीं उनावा गामनी स्टीममांथी पुलिसे नकली दारू बनावती फेक्टरी झड़पी पाड़ी। पुलिसे बातमीना आधारे रमेश हीराबाई चौधरी नामना शख्स खेतर में रेड करी जे दरमियान नकली दारू बनावाना कारोबारनो पर्दाफाश थयो। रमेश चौधरी खेतरनी ओरडीमां दारू बनावतो पुलिसे तेने झड़पी लीधो। सुरेन्द्रनगर जिल्लानी मुख्य एवी सरकारी होस्पिटल खुद मानकीना बीछाने छे। प्रजानी सुविधा माटे बनेली सरकारी होस्पिटल हर दर्दीओने दुविधा आपी रही छे। छेल्ला घणा समयथी दर्दीओने जरूरी दवाओ न मळती होवाथी तथा डॉक्टर्सनी अछत होवाथी अनेक दर्दीओने न छूटके खानगी दवाखानामां सारवार लेवानो वारो आव्यो छे। ભાવનગરના અલંગનો શિપ બ્રેકિંગ ઉદ્યોગ પાડોશી દેશની હરીફાઈને કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યો છે। ફેબ્રુઆરી 2021માં માત્ર 12 જહાજ અલંગમાં ભંગાણ અર્થે પહોંચ્યા। પહેલા દર મહિને સરેરાશ 25 જહાજ અલંગની અંતિમ સફર ખેડતા હતા। ભારતની સરખામણીએ બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન $25-30 વધુ આપીને જહાજ ખરીદી રહ્યા છે। राजकोट हैदराबाद फ्लाइट नु राजकोट एरपोर्ट पर वॉटर कैनन थी स्वागत करायु। राजकोट एरपोर्ट पर राजकोट हैदराबाद फ्लाइट नु स्वागत थयु हतु। आ समय एरपोर्ट पर प्रथम वक्त आती राजकोट हैदराबाद फ्लाइट नु फायर विभाग द्वारा वॉटर कैनन नी मदद थी स्वागत करायु। आ उपरांत प्रथम फ्लाइट में आवेला मुसाफरो ने एरपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा मिठाई पण खवडावावी।